नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शेफ धीरज है। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लाउड किचन की रेसिपी कॉस्ट और क्लाउड किचन की फूड कॉस्ट के बारे में। क्या ये दोनों चीज़ें एक होती हैं या अलग होती हैं, या फिर क्लाउड किचन और फूड कॉस्ट को सेम ही होना चाहिए। मैं आपको आज यही सारी चीज़ें क्लाउड किचन की कॉस्टिंग के बारे में, स्पेशली फूड कॉस्ट के बारे में बताने वाला हूँ। उससे पहले वीडियो स्टार्ट करें, मैं यहाँ पे मेरे एक मेंटरशिप प्रोग्राम के इनरोल्ड मेंबर हैं मिस्टर संदीप, जिनका कि फूड मास्टर के नाम से रोहतक हरियाणा में रेस्टोरेंट है। मैं उनका लोगो यहाँ पे लगा दूंगा। अगर आप हरियाणा में रहते हैं तो प्लीज़ इनकी शॉप में जाके, इनके रेस्टोरेंट में जाके ज़रूर विजिट कीजिएगा। इनके यहाँ पे मटन की जो डिशेज़ हैं बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। आप चाहें तो इनको इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप हरियाणा में हैं, रोहतक में हैं, तो प्लीज़ ज़रूर जाइएगा। और आप चाहे तो मेरी तरफ से यहाँ से डिस्काउंट भी ले सकते हैं। चलिए टॉपिक पे फिर से वापस आते हैं। क्लाउड किचन की फूड कॉस्ट क्या होती है, सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे। क्लाउड किचन की फूड कॉस्ट से मेरा मतलब है, यहाँ पे पूरे महीने के अंदर, मान लीजिए जनवरी का महीना चल रहा है, तो पूरे महीने के अंदर जो भी मैंने कुछ फूड को बनाने के लिए, कोई भी जो भी पर्टिकुलर सारी डिशेस को बनाने के लिए जो भी राशन इस्तेमाल किया है, चाहे उसके अंदर सब्जी आ रही है, डेयरी आ रही है, नॉनवेज आ रहा है, और कुछ भी आइटम आ रहा है, वो सारी चीज़ें मैंने इस्तेमाल करी है, वो मेरी फूड कॉस्ट कहलाएगी। मतलब जितना भी मैंने पैसा यहाँ पे खर्च कर दिया है पूरे महीने, वो सारा का सारा मेरी फूड कॉस्ट के अंदर आता है, और एक पर्टिकुलर ये यहाँ पे अमाउंट होता है। इसके बाद अगर मुझे इसकी परसेंटेज निकालनी है तो मुझे इसको जो सेल है मेरी उस मंथ की, उसे डिवाइड करके 100 से गुणा कर देना पड़ता है, तो एक मेरे पे यहाँ पे एक फिगर आ जाता है परसेंटेज के अंदर। दूसरा, अगर मैं बात करूँ रेसिपी कॉस्ट की, रेसिपी कॉस्ट किसी भी एक पर्टिकुलर डिश को बनाने के लिए, मान लीजिए अगर मैं दाल मखनी बना रहा हूँ, तो एक दाल मखनी को बनाने के लिए मेरे पास जो भी मेरे जो इंग्रेडिएंट लगे हैं या जो भी राशन लगा है यहाँ पे, उस पर कितना पैसा खर्च होता है, तो वो मेरी रेसिपी की कॉस्ट कहलाता है। फूड कॉस्ट हम लोग पूरे मंथ में निकालते हैं, रेसिपी कॉस्ट हम पर एक रेसिपी के लिए निकालते हैं, यही इन दोनों में डिफरेंस होता है। जब भी हम लोग फूड कॉस्ट की बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि फूड कॉस्ट 30% से कम रहनी चाहिए, 32% से कम रहनी चाहिए, पर वहीं पे जब हम लोग रेसिपी कॉस्ट की बात करते हैं तो हम ऐसा कुछ भी पर्टिकुलर फिक्स नहीं करते हैं कि सिर्फ 30% के अंदर ही कॉस्ट रहनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है हर एक डिशेज के लिए। हो सकता है कि कहीं पे जो कॉस्ट है मात्र 10% भी आ रही हो, और जबकि उस आइटम को आप 20 गुना, 30 गुना, 40 गुना भी एक्स्ट्रा बेच रहे हो। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार के क्वालिटी के इंग्रेडिएंट वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, किस प्रकार का रॉ मटेरियल आप वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। हो सकता है अगर आप हाई क्वालिटी का रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो आपकी कॉस्टिंग बढ़ रही है, अगर आप जो अपना जो रॉ मटेरियल है वो थोड़ा लो ग्रेड का कर रहे हैं तो आपकी जो फूड कॉस्ट की वो कम हो रही है, जो रेसिपी कॉस्ट है वो कम हो रही है। तो ध्यान आपको मेनली, मेजरली आपको आपकी फूड कॉस्ट के ऊपर होना चाहिए पूरे मंथ के लिए, ना कि आपकी रेसिपी कॉस्ट के ऊपर। रेसिपी कॉस्ट की परसेंटेज निकालने के लिए भी सेम वही करना होता है, जो भी इंग्रेडिएंट आपने यूज़ कर रहे हैं उनका टोटल प्राइसिंग को आपको डिवाइड कर देना है अपने जो भी सेलिंग प्राइस है उस डिश का, और 100 से गुणा कर दीजिए, आपके पास एक परसेंटेज आ जाएगी। ये परसेंटेज 30% भी हो सकती है, 40 भी, 50% भी हो सकती है, वो टोटली आपके जो क्वालिटी है इंग्रेडिएंट्स की, कि वो अच्छे हैं महंगे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, फूड कॉस्ट भी और जो हमारी रेसिपी कॉस्ट है दोनों को इक्वल भी होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों अलग हो सकती है। मंथ के एंड में जब आप फूड कॉस्ट निकालेंगे वही आपके लिए एक तरीके से मार्गदर्शक हो सकता है नेक्स्ट मंथ के लिए। तो यही सारी चीज़ें आपको समझनी है फूड कॉस्ट और रेसिपी कॉस्ट के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, और एक बार फिर से अगर आप रोहतक हरियाणा में विजिट कर रहे हैं या वहाँ रहते हैं तो फूड मास्टर के वाले पे जरूर जाइएगा, वहाँ के खाने को एंजॉय कीजिएगा, और मेरी तरफ से आपको वहाँ पे डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसके अलावा आप भी चाहे मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम ले सकते हैं, जिसमें कि मैं सारी बिजनेस की इसेंशियल चीज़ें समझाता हूँ। 1-to-1 मेरी पर्सनल क्लासेस होती हैं, जहाँ पे कि आप प्रॉपरली समझ पाएंगे एक रेस्टोरेंट बिजनेस को किस तरीके से रन करना है। ये कोई भी रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं होती हैं, ये लाइव मैं 1-to-1 आप लोगों को समझाता हूँ आपकी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अनुसार, क्योंकि मार्केट में जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है वो जनरल इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। आप मार्केट में अगर मुंबई में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, कलकत्ता में रहते हैं, तो वो आपके
आपकी जो लोकेलिटी है वहाँ पे आपको जो भी चीज़ें मिल रही हैं उसके हिसाब से आपकी जो क्लासेस होनी चाहिए या उसके हिसाब से आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। यही सारी चीज़ें मैं अपने फूड मेंटरशिप प्रोग्राम में सिखाता हूँ। मेरे लगभग 200 से भी ज़्यादा जो मेरे प्रोग्राम्स के इनरोल मेंबर हैं जो कि ऑल ओवर इंडिया और इंडिया से बाहर भी हैं। आप भी चाहें मुझे व्हाट्सएप पर नीचे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और प्रोग्राम को इनरोल कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।